Assalamualaikum viewer, I am Sahar and today I brought new lesson about spices for you. So friends, if you are new, please subscribe my channel and also press the bell icon so that my any upcoming video can reach you easily. फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें. सो स्टार्ट आवर न्यू लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल, नमक. नमक को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट. नमक को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सौंफ. सौंफ को इंग्लिश में फेनल कहते हैं. फेनल, इसको फिनल नहीं बोलेंगे, इसको फेनल कहा जाएगा. नेक्स्ट अजवाइन. अजवाइन को इंग्लिश में कैरम सीड्स बोलते हैं. कैरम सीड्स, अजवाइन को इंग्लिश में कैरम सीड बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट दालचीनी. दालचीनी को इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं. सिनेमन, दालचीनी सिनेमन. एंड नेक्स्ट इज लौंग. लौंग को इंग्लिश में ग्लव कहते हैं. जैसे दस्ताना को ग्लव्स कहते हैं, इस तरह इसको ग्लव बोलते हैं. ग्लव मीन लौंग. नेक्स्ट इज बादियान. बादियान को कहते हैं स्टार एनाइस. स्टार एनाइस, बादियान को कहते हैं स्टार एनाइस. ठीक है, राइट. नेक्स्ट इज आमचूर. आमचूर को इंग्लिश में कहते हैं मैंगो पाउडर. मैंगो पाउडर, राइट. एंड नेक्स्ट इमली. ये थाई फूड में भी शामिल होता है. इमली को इंग्लिश में कहते हैं टैमरिंड्स. इसको बास लोग टामरिंड बोलते हैं. टामरिंड गलत है, ये टैमरिंड्स बोला जाता है. टैमरिंड्स. नेक्स्ट इज कलवंजी. कलवंजी को इंग्लिश में कहते हैं नाइजेला सीड्स. नाइजेला सीड्स, राइट. एंड नेक्स्ट इज तुखमे मलंगा. ये गर्मियों में बहुत इस्तेमाल होता है. इसको कहते हैं इंग्लिश में बेजिल सीड्स. बेजिल सीड्स, राइट. एंड नेक्स्ट इज सब्स इलायची. इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्डमम ग्रीन. कार्डमम ग्रीन, और बड़ी इलायची को कहते हैं कार्डमम ब्राउन. हल्दी को इंग्लिश में कहते हैं टर्मरिक. टर्मरिक, ठीक है. हल्दी को इंग्लिश में कहते हैं टर्मरिक. ई को ज़रा छुपा दिया जाता है, टर्मरिक. एंड नेक्स्ट इज इधर दो तरह के धनिया, एक साबुत धनिया एक पीसा हुआ धनिया. साबुत धनिया को कहते हैं कोरिएंडर सीड्स और पीसे हुए धनिया को कहते हैं कोरिएंडर पाउडर, राइट. एंड नेक्स्ट इज लाल मिर्च, चिली पाउडर. लाल मिर्च चिली पाउडर, जो मसालों में इस्तेमाल होती है उसको चिली पाउडर बोला जाता है. नेक्स्ट इज अनारदाना. अनारदाने को कहते हैं पोमीग्रेनेट सीड्स. पोमीग्रेनेट सीड्स, अनारदाना. नेक्स्ट इज जायफल. जायफल को इंग्लिश में कहते हैं नटमेग. जायफल को इंग्लिश में कहते हैं नटमेग, ओके, राइट. एंड नेक्स्ट इज सफ़ेद तिल. तिल जो आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं सीज़म. सीज़म, इसको सीज़म नहीं पढ़ेंगे, सीज़म पढ़ेंगे, ठीक है. फिर है काला ज़ीरा. काला ज़ीरा को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक कैमन. ब्लैक कमन, काला ज़ीरा ब्लैक कमन. एंड नेक्स्ट इज़
जीरा, जिसको सफेद जीरा भी बोला जाता है, इसको कहते हैं किरावे। सफेद जीरा को क्या कहते हैं? किरावे। ठीक हो गया, राइट? ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको मेरा नया लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।